हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है और उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके पास डी ओवर डी एक्स एक्सेट पर 5। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले ये देखेंगे इस चीज़ को बोलते क्या हैं। जो ये मैंने चीज़ लिखी है, इस चीज़ को बोलते क्या हैं। इस चीज़ को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 5 विद रिस्पेक्ट एक्स, यानी कि ऑफ के बाद जो चीज़ आई है इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को बोल देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन। मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 7 होता, तो मैं क्या बोलता? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 7 विद रिस्पेक्ट एक्स। मान लीजिए यहाँ पे 10 होता, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 10 विद रिस्पेक्ट एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या 5 है। अब देखते हैं ये क्या है विद रिस्पेक्ट एक्स। विद रिस्पेक्ट एक्स जिसके रिस्पेक्ट में करता हूँ मैं, अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहा हूँ, उसको हम मानते हैं वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक्स क्या मेरा वेरिएबल है, इसके अलावा सभी कैमरे कॉन्स्टेंट हैं। आप ये याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो नीचे है डी के साथ है नीचे, वो मेरा है वेरिएबल। इसके अलावा सभी चीज़ें मेरी क्या है, कॉन्स्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ हाँ जी, इसको क्या रीड करेंगे, इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर 7 विद रिस्पेक्ट ए। अब नीचे ए है, यहाँ एक्स था तो विद रिस्पेक्ट एक्स था, यहाँ ए है तो विद रिस्पेक्ट ए है। इस क्वेश्चन में हम ए को क्या मान लेंगे, वेरिएबल, और सभी क्या है, इसके अलावा कुछ भी हो एक्स वाई जेड ए सॉरी बी सी डी सब कॉन्स्टेंट है, सिर्फ ए को छोड़कर। ए वेरिएबल है और सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ये डी ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 5। जैसे इसको रीड करते हैं आप ऐसे रीड कीजिए इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस्ट पर 5। ऑफ से मुझे क्या पता चला, इस चीज़ की डिफरेंशिएशन करनी है, इस चीज़ की। ठीक है दोस्तों, किस किस रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स को क्या मुझे मानना है, वेरिएबल मानना है। ठीक है, आइए करते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ जी, एक्स रेस्ट पर 5 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। अभी मैंने डिफरेंशिएशन की नहीं, तभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये नहीं लिखना। डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, जो पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो ये क्या आ गई इसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक्स रेस्ट पर 5 था, यहाँ पे एक्स रेट पर 8 होता, तो क्या डिफरेंशिएशन होती, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी, पावर यहाँ भी एक्स रेट पर 8 होता, इसको ऐसे ही पढ़ते डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेट पर 8 विद रिस्पेक्ट एक्स। हाँ जी, पावर आगे आ जाती, इसमें से एक माइनस हो जाता, ये आंसर आ गया था इसका। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करेंगे रूट एक्स को। हाँ जी, पहले क्या करना है मुझे, स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके लिखना है। सिंप्लीफाई करके क्या मतलब, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, रूट का मतलब 1/2 होता है। पावर आगे आ गई और इसमें से क्या हो गया, 1 माइनस हो गया। हाँ जी, 1/2 में से 1 गया, -1/2, इसको ठीक करके लिख देंगे थोड़ा, 1/2, ये ऐसे हो जाएगा रूट एक्स, तो ये क्या आ गई इसकी डिफरेंशिएशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से एक फार्मूला बना, वो क्या फार्मूला है, फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेट पर एन, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक माइनस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या मेरे पास फार्मूला। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे
मान लीजिए डिफरेंशिएशन आ गई, इसकी डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है दोस्तों, एक्स इनवर्स की डिफरेंशिएशन आ गई। तो कैसे करेंगे, करना क्या आपको, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से क्या कर दोगे, एक माइनस कर दोगे, तो ये क्या आ गया माइनस टू, यानी कि माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये एक्स था, ये वन बाय में है, इसको ठीक करके लिख लो पहले स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को पहले इस फॉर्म में बना लो, इस फॉर्म में बना लो, फिर उसकी डिफरेंशिएशन कर दो। इस फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स की पावर है, यहाँ भी एक्स की पावर लेके आऊँगा मैं, ये ऊपर आ गया माइनस थ्री बाई टू हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसको इस फॉर्म में बना लिया, अब डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस थ्री बाय टू आगे आ गया माइनस वन, माइनस थ्री बाय टू, हाँ जी दो एकम दो, माइनस पाँच बटे दो, ठीक है, इसको ठीक सा करके लिख दो, ये नीचे चल जाएगा, x की पावर पाँच बटे दो, तो ये क्या आ गया मेरा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई, ये आ गई। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला, एक डिफरेंशिएशन और देखते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है भाई, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास डी ओवर डी एक्स ए रेस्ट पर फाइव, ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ए रेस्ट पर फोर, फाइव ए रेस्ट पर फोर, जीरो और ए रेस्ट पर फाइव, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस चीज़ को पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस्ट पर फाइव, यानी कि मुझे ए रेस्ट पर फाइव की डिफरेंशिएशन करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। और जो ये नीचे वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सभी क्या होते हैं मेरे, कॉन्स्टेंट, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, पी क्यू ए बी कुछ भी आ जाए, वो क्या इस क्वेश्चन में वो कॉन्स्टेंट माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरा एक्स वेरिएबल है, इसके अलावा सभी क्या मेरे कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो होती है, ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब मुझे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ए रेस्ट पर फाइव की, हाँ जी ए रेस्ट पर फाइव क्या मेरा कॉन्स्टेंट है। कैसे पता चला मुझे कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल है, उसके अलावा सभी क्या कॉन्स्टेंट है, और ये ए है, ए की पावर फाइव है, तो ये भी क्या कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हाँ जी इसका आंसर क्या आएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऑफ किसकी डिफरेंशिएशन करनी है मुझे, एक्स रेट पर फाइव की डिफरेंशिएशन करनी है, विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है दोस्तों। ए को मुझे क्या मानना है, वेरिएबल मानना है, इसके अलावा सभी कैमरे कॉन्स्टेंट हैं, कुछ भी हो इसके अलावा, बी सी डी कुछ भी हो, वो सभी कैमरे कॉन्स्टेंट हैं, तो ये कैमरा कॉन्स्टेंट है फिर, क्योंकि ए वेरिएबल है, इसके अलावा सभी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जेड होता, हाँ जी अब मेरा जेड क्या है, वेरिएबल है, इसके अलावा सभी क्या है कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन सिंपली जीरो। मान लीजिए यहाँ पे एक्स होता, अब मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स मेरा वेरिएबल है, और ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होएगी, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ऐसे होगी, पाँच आगे आ जाएगा और उसमें से एक माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है, और वेरिएबल की डिफरेंशिएशन इस तरह से की जाती है। और कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएशन कैसे पता चलता है, जो नीचे डी है ना, इसके साथ में है, वो मेरा वेरिएबल है, इसके अलावा सभी कैमरे कॉन्स्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स मेरा वेरिएबल है और सभी कैमरे कॉन्स्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास टू, ये आ गया मेरा क्वेश्चन, मुझे किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, टू की डिफरेंशिएशन करनी है, इसको पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, तो अब मेरा एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसके अलावा सभी क्या है मेरे कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे x आ जाता, x की डिफरेंशिएशन करनी है, x की ही डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, x को ठीक करके लिख लीजिए, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि इस फॉर्म में आई है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, क्यों, x वेरिएबल है और ऊपर भी x है। तो कैसे करेंगे, सेम इस तरह से पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, तो 1x की पावर 0, ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे a होता तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, देखते हैं। a क्या है मेरा, इस क्वेश्चन में a वेरिएबल लेना है, इसके अलावा और सभी क्या, कॉन्स्टेंट, और x क्या मेरा, कॉन्स्टेंट है, तो आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ x की जगह पे a आ जाता, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। अब a क्या मेरा वेरिएबल है, इसके अलावा सभी क्या मेरे कॉन्स्टेंट है, हाँ जी, ऊपर भी a है, a का फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, तो ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जब भी कभी, हाँ जी, यहाँ x क्या है, सबसे पहले मैं देखूंगा इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है मेरा, वेरिएबल क्या है इसमें, x है, ये क्या है मेरा वेरिएबल है, इसको ऐसे लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों। जब भी कभी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में हो, ए मेरा कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल के अलावा सभी का कॉन्स्टेंट है, जब भी वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में हो, कॉन्स्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और अंदर वाले फंक्शन की क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ए एज इट इज आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या, सेम यही फार्मूला अप्लाई करूँगा, पावर आगे आ गई और इसमें से एक माइनस हो गया, ए 5 एक्स की पावर 4, ए 5 एक्स की पावर 4, इसको ठीक करके लिख लेते हैं, तो ये क्या आ गया मेरा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या पता चला, जब भी यहाँ मैं x को वेरिएबल मान के चल रहा हूँ, ए एक्स, जब भी वेरिएबल के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं और अंदर ले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे सेम है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी 7 होता, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, आइए देखते हैं। हाँ जी, वेरिएबल क्या है, x, ये तो मेरा वेरिएबल वाला फंक्शन है, उसके साथ क्या कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, इसको बाहर लिख दो, और डिफरेंशिएशन किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल क्या मेरा x रेट पर 5, a रेट पर 5 वेरिएबल, और इसकी डिफरेंशिएशन 5 आगे आ गया और इसमें से एक माइनस हो गया, इस 5 को आगे लिख दिया मैंने, तो ये क्या आ गई, इसकी डिफरेंशिएशन आ गई, ठीक है दोस्तों। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास डी ओवर डी एक्स ए एक्स, ये ए है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएं, 0, 1, x, a, हाँ जी, तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले तो इसको लिखें कैसे, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स विद रिस्पेक्ट x, ठीक है दोस्तों। किसके रिस्पेक्ट में करनी है मुझे, x के रिस्पेक्ट में करनी है, यानी कि x को मुझे वेरिएबल मानना है, उसके अलावा सभी क्या मेरे कॉन्स्टेंट है, यानी कि यहाँ पे x वेरिएबल है और ये क्या मेरा कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट को कहाँ बाहर निकाल देते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हो, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया मैंने, और अंदर डिफरेंशिएशन x की, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 होती है, तो a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a, तो ये क्या आ गया, a क्या आ गया इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ x की जगह पे a होता, आप देखो आंसर में कितना चेंज आ जाएगा, अब मुझे किसके किसके रिस्पेक्ट में करनी है डिफरेंशिएशन, a के रिस्पेक्ट में, अब a क्या मानना है मुझे, वेरिएबल मानना है, और x क्या मानना है मुझे, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या बाहर आ जाता है हमेशा की तरह, और मुझे a की डिफरेंशिएशन करनी है, और a की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, a की डिफरेंशिएशन 1 कैसे होती है, मैंने आपको शायद बताया होगा, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, और a की पावर 0 क्या होता है, 1, इसलिए 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x,
ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सी आ जाता, तब देखते हैं क्या आंसर होता। अब मुझे किस किस रिस्पेक्ट में करनी है, सी के रिस्पेक्ट में करनी है, यानी कि मुझे सी को क्या मानना है, वेरिएबल मानना है, उसके अलावा सभी क्या है मेरे कॉन्स्टेंट है, और ये दोनों क्या है, ये सी तो है नहीं है, दोनों क्या कॉन्स्टेंट है, तो इसकी डिफरेंस क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर सकते हो। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। थैंक यू।